ये नागालैंड की तस्वीरें हैं, ये नागालैंड की तस्वीरें हैं, ये देखिए, ये है नागालैंड। यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, छत पर लोग इतनी ठंड में बैठे हैं और राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं, लोग अपनी छतों पर इकट्ठा हैं। राहुल गांधी अब सीधा टेंट के अंदर जाते हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नागालैंड की धरती से। यात्रा बड़ी लंबी है और ये यात्रा क्या कमाल करेगी वो तो वक्त बताएगा। मैं देखिए ऊपर किस तरह से लोग खड़े हुए हैं, तो वो इधर का दृश्य भी हम आपको दिखाएं, दृश्य देखिए। ये यात्रा इसी तरह आगे भी आगे चलती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा दिन और आज दूसरे दिन में शाम होते होते मणिपुर से अब नागालैंड में ये यात्रा एंटर हो रही है, प्रवेश कर रही है और यहाँ पर अभी फ्लैग चेंज किए जा रहे हैं। राहुल गांधी वहाँ पर मौजूद हैं, भीड़ मौजूद है और अब मणिपुर का बॉर्डर जो है क्रॉस कर दिया। इधर जयराम रमेश कुछ कह रहे हैं, उनको हम आपको सुनवाने की कोशिश करते हैं। From tomorrow, the third day, we will start in Nagaland, and tomorrow around 1 p.m., Rahul Gandhi ji will address the national media, have a formal press interaction. Okay? Thank you. तो अब नागालैंड में प्रवेश कर गई है ये यात्रा और अब आगे बढ़ेगी धीरे धीरे। इधर की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो बॉर्डर पर लोग हैं वो मौजूद हैं और अब मणिपुर दो दिन ये यात्रा मणिपुर में चली है और अब तीसरा दिन नागालैंड से शुरू होगा। यानी कि आज जब रात हो रही है, शाम हो रही है, तो नागालैंड से अब ये यात्रा शुरू होगी। और देखिए यहाँ पर जो पारंपरिक का लिबास है वो राहुल गांधी को पहनाया गया है और देखिए हम वही तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और वापस राहुल गांधी बस में बैठते हुए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब देखिए ये रात हो गई है, नागालैंड में ये यात्रा प्रवेश कर गई है और यहाँ पर बस रुकी हुई है। जैसे ही नागालैंड में ये यात्रा प्रवेश हुई उसके तुरंत बाद यहाँ पर जो लोग हैं, जो जनता है, वो सड़कों पर खड़ी होकर राहुल गांधी का इंतजार कर रही थी और हाथों में झंडे लिए हुए हैं जिस पर राहुल गांधी की फ़ोटो भी है। NSUI के यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो यूथ यहाँ पर आया हुआ है राहुल गांधी से मिलने और उनकी एक झलक पाने के लिए। नागालैंड मणिपुर से अब हम नागालैंड में आ चुके हैं और ये यात्रा अब नागालैंड में प्रवेश कर गई है। नागालैंड में प्रवेश करने के बाद जैसे ही 500 मीटर भी नहीं चले होंगे वैसे ही यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। अब कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर की जाएगी राहुल गांधी की तरफ से, तकरीबन 12 से 1 बजे के आसपास ये कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी। और जाहिर सी बात है इसमें जो दो दिन बीते हैं, दो दिन मणिपुर में बीते हैं, उसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करेंगे, उसकी ब्रीफिंग जरूर देंगे कि आखिर उनको किस तरह का रिस्पॉन्स मिला मणिपुर से और मणिपुर के लिए उनके पास विजन क्या है, वो सोचते क्या है। तो भारत जोड़ो यात्रा जो है वो नागालैंड में प्रवेश कर गई है और नागालैंड में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, छत पर लोग इतनी ठंड में बैठे हैं और राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं, राहुल गांधी का तीव्र से इंतजार कर रहे थे। इधर देखिए ये नागालैंड की तस्वीरें हैं, ये नागालैंड की तस्वीरें हैं, ये देखिए, ये है नागालैंड। राहुल गांधी के इंतजार में किस तरह से यहाँ लोग बैठे हुए हैं ये आप देखिए सर्दी में। और यहाँ से नागालैंड की सीमा शुरुआत होती है, नागालैंड में प्रवेश कर गए हैं, 200 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा हुई है और अब तक। और यहाँ पर ये टेंट लगाया गया है जहाँ पर राहुल गांधी रुकेंगे और इसी टेंट में रुकेंगे और यहाँ पर कंटेनर रखे गए हैं जैसे पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा में हमने देखे थे, बड़े बड़े कंटेनर मंगाए गए थे और उसी में रुकने की व्यवस्था होती है। इधर टेंट लगे हैं जहां पर एक जगह कुछ लोग आराम कर सकते हैं और एक जगह जहां पर खाने पीने की व्यवस्था होती है। आप अगर देख पाएंगे तो जो चर्च है वहां पर कितनी भीड़, जूम करके दिखाइए अमन, कितनी भीड़ है ये जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग अपनी छतों पर इकट्ठा हैं। इधर अगर हम देखेंगे, मेरे बाएं साइड देखेंगे तो यहाँ पर भी भयंकर भीड़ देखने को मिल रही है और सड़कों पर तो आप देखिए पैर रखने की जगह नहीं है, भीड़ इतनी ज़्यादा है। ये नागालैंड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी की तस्वीर आप देखिए, राहुल गांधी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, राहुल गांधी की एंट्री हो गई है इस टेंट में और लोगों से बातचीत करके राहुल गांधी अब सीधा टेंट के अंदर जाते हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नागालैंड की धरती से, जहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा दूसरे दिन आज नागालैंड में प्रवेश कर गई है मणिपुर के बाद। तो राहुल गांधी यहां से अंदर चले गए हैं, अब अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है लेकिन अभी यहां उम्मीद की जा रही है कि बाहर जो लोग हैं उनसे मिलेंगे। और नीचे से राहुल गांधी देखिए हाथ हिलाते हुए और ऊपर खड़े लोग शोर मचा रहे हैं।
और ये कंटेनर की देखिए हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, इसके अंदर पूरी बेडिंग है, बेड रखे गए हैं जिससे कि यहाँ पर रात में सोया जा सके, विश्राम किया जा सके। दिन भर ये यात्रा चलेगी और सुबह सुबह ये यात्रा निकल जाती है आगे बढ़ने के लिए। तो आज नागालैंड में ही ये यात्रा समाप्त की जा रही है। नागालैंड पहुँच चुके हैं राहुल गांधी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कि अब नागालैंड में पहुँच चुकी है। तो ये तस्वीरें देखिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरी इस न्याय यात्रा को मणिपुर से स्टार्ट किया गया, शुरू किया गया, जो कि मुंबई महाराष्ट्र तक जानी है और उससे ठीक पहले नागालैंड में ये यात्रा प्रवेश कर गई है। आगे की भी तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ।